अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खुंडिया इकाई ने शबनम की आत्मा शांति के लिए शांति हवन किया। इस अवसर पर खंडिया बाजार के शनि मंदिर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खुंडिया इकाई के छात्र छात्राओं, स्थानीय लोगों व परिषद के विभाग के सह प्रमुख किशन शर्मा, सुधीर पांडे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूनम ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूनम ने बताया कि उन्होंने आज खुंडिया शनि मंदिर में शबनम के आत्मा शांति के लिए एक हवन किया और भगवान से प्रार्थना की कि शबनम को जल्द से जल्द न्याय मिले। और इस अवसर पर हम सब ने संकल्प लिया है कि शबनम को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। ज्वालामुखी बस स्टैंड पर पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एक दुकान पर छापामारी की गई, तो ज्वालामुखी बस स्टैंड में दुकान से 6.32 ग्राम और ग्राउंड फ्लोर पर बस स्टैंड में उसी के खड़े स्कूटर से 510 ग्राम चरस बरामद की गई। दुकान मालिक अशोक कुमार लवली, जो ज्वालामुखी वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है, उसे मौके पर हिरासत में लिया गया। डीएसपी तिलकराज ने बताया कि टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ज्वालामुखी बस स्टैंड में एक दुकान पर छापा मारा और दुकान से 6.32 ग्राम चरस और ग्राउंड फ्लोर से उसी के स्कूटर में 510 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस दौर में बेशक कुछ लोग चांद और मंगल ग्रह पर घर बनाने के सपने देख रहे हों, मगर इसी दुनिया में कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो अपने लिए 2 गज जमीन पर सिर की छत की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही एक समुदाय है सिरमौरी गुजरों का, जो अब तक खाना बदोशों की तरह जीवन जीने को मजबूर है। आधुनिकता के इस दौर में ये लोग अपने मवेशियों के साथ जंगल जंगल घूमकर मस्ती से जीवन यापन करते हैं। सिरमौरी गुज्जर समुदाय के लोग इन दिनों मैदानी इलाकों से गिरिपाद अथवा जंगल के पहाड़ी क्षेत्रों के 6 माह के प्रवास पर निकल गए हैं। गिरिपाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपमंडलों के पहाड़ी जंगलों में सर्दियों से मई महीने में उक्त समुदाय के लोग यहां अपनी भैंसों, गाय, बकरी और भरवाहा बैल आदि मवेशियों के साथ गर्मियां बिताते हैं। इन मवेशियों के सड़क से निकलने के दौरान क्षेत्र की तंग सड़कों पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो जाता है। सिरमौरी साहित्यकारों व इतिहासकारों के अनुसार सिरमौरी गुज्जर 6वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आई हूण जनजाति के वंशज हैं। इस समुदाय को सोशल मीडिया, सियासत, औपचारिक शिक्षा, इंटरनेट या एंड्रॉइड फोन आदि के नजदीक का भी पता नहीं है। सिरमौर में यह एकमात्र अनुसूचित जनजाति का घुमंतू समुदाय है तथा इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। खंड शिक्षा अधिकारी के अनुसार घुमंतू गुज्जर समुदाय के बच्चों के लिए चलाए जा रहे विशेष मोबाइल स्कूलों में इन छात्रों को अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है। जंगल में परिवार के साथ जिंदगी बिताने के दौरान न केवल उक्त समुदाय के लोगों के अनुसार उन्हें प्राकृतिक आपदाओं को सहन करना पड़ता है, बल्कि कई बार जंगली जानवरों और स्थानीय तथा संबंधित कर्मियों की बेरुखी का भी सामना करना पड़ता है। सिरमौर जिला के पौंटा, दून, नाहन व गिनीघाट आदि मैदानी क्षेत्रों से चूड़ीधार उपमंडल संगड़ाह तथा गिरिपार के जंगलों तक पहुंचने में करीब 1 माह का वक्त इन्हें लगता है। पहाड़ों का ग्रीष्मकालीन प्रवास होने के बाद उक्त घुमंतू समुदाय अपने मवेशियों के साथ मैदानी इलाकों के अगले 6 माह के प्रवास पर निकल जाते हैं और इनका जीवन इसी तरह चलता है।